हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये सुंदर सा बैग बनाना, बहुत ही इजी है से बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप और भी बैग के वीडियो अच्छे अच्छे देखना चाहते हैं और अगर आपको बैग के वीडियो देखने का शौक है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आप तक उसकी सूचना यानी कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो बहुत से बैग के डिज़ाइन आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैं रेगुलरली जो है बैग के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये फ्रंट और बैक पर ऑलरेडी क्विल्टिंग कर ली है। 11x8 इंच का हमने ये लेना है। 11 इंच इसकी लेंथ है और 8 इंच इसकी वेट है, यानी 11x8 इंच का हमने ये लेना है। क्विल्टिंग करने के लिए हमने फॉर्म चाहिए, हमें नीचे हमें लाइनिंग का कपड़ा चाहिए। आप कोई भी लाइनिंग का कपड़ा आपकी पुरानी कुर्ती में से ले सकते हैं। और ऊपर हमें चाहिए जो कि बैक का हम कपड़ा लेंगे, 11 इंच की ही हम जिप लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इन फ्रंट और बैक के कॉर्नर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमें कॉर्नर से 1.5 यानी 1.5 इंच नीचे की तरफ एंड 1.5 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमें निशान लगा लेना है। या फिर हमें ये एक पेपर ले लेना है। इस पेपर पर मैं मार्किंग कर देती हूँ। तो देखिए, हमने ये एक पेपर लिया 1.5 इंच नीचे की तरफ, 1.5 इंच लेफ्ट हैंड की साइड। मार्किंग करके हमें गोलाई में निशान लगा लेने हैं इसके और कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, अब इस पेपर को हम बैक के सभी कॉर्नर पर रख कर फ्रंट और बैक के कॉर्नर पे रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर पर कटिंग करने से ये होगा सभी जो कॉर्नर हैं वो एकदम सेम शेप के आएंगे। तो देखिए, अब हम फ्रंट की पॉकेट के लिए एक पार्ट लेंगे और उस ऊपर से 2.5 इंच यानी 2.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद देखिए, इतनी ही हमें जिप लेनी है 11 इंच की और इस तरीके से जिप को इंसर्ट कर लेना है, इसके साथ सिल लेना है। और इतना ही हमें एक ये लाइनिंग का कपड़ा चाहिए। तो मैं आपको तो ये देखिए, हमें इस तरीके से जिप को स्टिच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं 11 नंबर की मशीन की सुई का, सॉरी 11 नंबर की नहीं, 18 नंबर की सुई का यूज़ कर रही हूँ मशीन की। तो एक तरफ हमने स्टिच किया। जब भी हम जिप स्टिच करते हैं तो देखिए, इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा नीचे का मार्जिन वाला कपड़ा है उसे बैक की तरफ कर देते हैं और ऊपर से इस तरीके से बैक के कपड़े पर किनारे की स्टिच जरूर लगाते हैं। इससे जिप जब भी हम जिप को खोलते हैं बंद करते हैं तो कपड़ा जो है वो जिप में अटकता नहीं है। तो ये स्टिच करना बहुत ही ज़रूरी है जब भी कहीं पर भी आप जिप लगाते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से अब हम दूसरा हिस्सा भी बैक का जिप के साथ स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए हमने जिप तो स्टिच कर ली है। अब हमने जो ये कपड़ा लिया था इसको हमें इस तरीके से रखना है और चारों तरफ से स्टिच लगा देनी है। तो ये फ्रंट की पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे हम स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रंट में पॉकेट तो लग गई है, जिप हमने लगा दी। बैक में इस तरीके से कपड़ा लगा दिया। तो अब ये मैंने स्ट्रिप के लिए 18 बाय 2.5 इंच यानी 18 इंच लेंथ और 2.5 इंच विड्थ का ये ब्लैक फैब्रिक ले लिया है और इसके बीच में हम ये फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म की चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई लंबाई स्ट्रिप के बराबर है। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्म को रखना है इस ब्लैक स्ट्रिप के अंदर। ये हम स्ट्रिप जो है स्ट्रेट यानी सीधे कपड़े में से कटिंग करेंगे, उरेब नहीं है ये। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें स्ट्रिप को सिल लेना है और तैयार कर लेना है। तो दोनों स्ट्रिप हमें ऐसे बनानी है जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब हम फ्रंट और बैक को इस तरीके से ऊपरी भाग को आमने सामने रख लेंगे यानी बैक का जो ऊपरी भाग है उसको आमने सामने रख लेंगे। स्ट्रिप हमने तैयार कर ली है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इनका सेंटर कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। सेंटर पे निशान लगा लेना है आपको और दूसरे हिस्से पर भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए दोनों सेंटर वाले मार्क को आपको रखना है आमने सामने। इसके बाद आप लेंगे मेजरिंग टेप और मेजरिंग टेप से आप 2 इंच लेफ्ट हैंड और 2 इंच राइट हैंड यानी 2 इंच उल्टे हाथ की तरफ 2 इंच सीधे हाथ की तरफ ये मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद स्ट्रिप को 2 इंच वाले पॉइंट पर इस तरीके से हमें रखना है। 2 इंच वाले पॉइंट के बाद स्ट्रिप को रखना स्टार्ट करना है और ऊपर से ये स्टिच लगा लेनी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। तो ये स्टिच आपने कर लेनी है, दोनों स्ट्रिप यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए दोनों स्ट्रिप हमने स्टिच करके तैयार कर ली है। तो ये अभी हमें अलग रखना है। अब इसके बाद हमें बैग के ऊपरी हिस्से के लिए ये मैंने क्विल्टिंग पीस जो है ले लिया है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच और वेट है 4.5 इंच यानी 4.25 बाय 4.25 इंच का ये कपड़ा है। क्विल्टिंग करने के बाद इसकी हमें सेंटर से कटिंग कर लेनी है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ।
और 14.5 इंच की ही हमें यहाँ पे जेब चाहिए। तो ये हमने कटिंग कर लिया। इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ जिप स्टिच करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया है। देखिए हमने एक जगह से तो स्टिच कर दिया है, अब इसी तरीके से हम इसे दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमें बेस के लिए और साइड के लिए ये क्विल्टिंग पीस मैंने तैयार कर लिया है। 18.5 यानी 18.5 बाय 4.5 इंच का ये है। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम जिप वाले पीस के साथ यहाँ दोनों किनारे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों स्ट्रिप जो है आपस में स्टिच कर ली है। अब जो हमने स्टिच लगाई है, उन दोनों स्टिच को हम यूं ऐसे आपस में पकड़ कर इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पर आप एक मार्क लगा लीजिए। मार्क लगाने के बाद दोनों तरफ हमें मार्क लगाना है जो हमने स्टिच लगाई है। अब हम बैक का कोई भी एक हिस्सा लेंगे, इसका भी सेंटर मार्क कर लेना है हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये सेंटर और जो अभी हमने सेंटर स्ट्रिप पर निशान लगाया है, इन दोनों सेंटर को हमें आपस में इस तरीके से मिला लेना है। और देखिए, यहाँ से स्टिच करनी स्टार्ट करनी है, यहाँ तक बैक की स्ट्रिप को अंदर की तरफ रखना है, ऐसे स्टिच करते हुए, यानी कि चारों तरफ हमें स्टिच करके इस दोनों पीसों को आपस में जोड़ लेना है। ये जो है हिस्सा स्टिच कर लिया है, अब हम दूसरे हिस्से को लेंगे। इसका भी हमें सेंटर पे यूं मार्किंग कर देनी है यहाँ पे, और ये वाला सेंटर वाला हिस्सा इस तरीके से यहाँ वाले सेंटर में मिलाकर चारों तरफ से स्टिच लगा देनी है यहाँ। तो देखिए, दोनों हिस्से जोड़ने के बाद हमारा बैग बनकर ये तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बैग के बहुत सारे डिज़ाइन देख सकें। और सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।